आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसका चैप्टर 2 है मैग्नेटिज्म एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। मैग्नेट्स को हम अगर आप सबसे इजी एग्जांपल देखें जो हमारे स्पीकर्स रहते हैं उसके पीछे जो रहता है वो एक मैग्नेट होता है। दूसरा चैप्टर में जैसे है अर्थ्स मैग्नेटिज्म कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो हम इस चैप्टर में अर्थ के मैग्नेटिज्म को भी स्टडी करेंगे। साथ में मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, मैग्नेट्स कितनी तरह के होते हैं, इसको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो डेफिनेशन होगी यहाँ पे वो है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी और फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक निकल, कोबाल्ट, आयरन बाई ए मैग्नेट। कि अगर मैग्नेट जो है वो निकल, कोबाल्ट, आयरन जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर उनको अट्रैक्ट करता है तो उस फिनोमिना, जिस फिनोमिना के कारण अट्रैक्ट करता है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। आगे आता है कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वही है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अब मैग्नेट दो तरह का रहता है, एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट जो है वो कहाँ से मिलेगा, हमें अर्थ के अंदर से मिलेगा। जो नेचुरली अकरिंग ओर है आयरन का अर्थ के अंदर वहां से हमें नेचुरल मैग्नेट मिलते हैं। पर नेचुरल मैग्नेट जो रहते हैं ये नेचुरल मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दूसरी तरह का मैग्नेट है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमें कहाँ से मिलेगा, हम खुद बनाते हैं उसको। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम एक मैग्नेट लें और एक नेल लें, अगर नेल को मैग्नेट के साथ रब करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो नेल है वो भी कुछ समय के बाद क्या होगा, वो भी मैग्नेट बन जाती है। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं वो भी क्या है, वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं हम इनको बनाते हैं किससे, आयरन से बना सकते हैं, कोबाल्ट से बना सकते हैं, निकल से बना सकते हैं। इन सभी को अगर हम रब करें किसी नेचुरल मैग्नेट के साथ तो हमें जो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या होंगे, ये मैग्नेट बन जाएंगे। और इन इस तरह के जो मैग्नेट रहेंगे इन मैग्नेट्स को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैग्नेट कैसा होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की, जो हम डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेट हो उसके साथ हम एक पेपर पिन को रखें तो वो मैग्नेट उस पेपर पिन को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के पास किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आए तो वो उस मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। तो ये है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कि अगर हम क्या करें कि कोई मेरे पास मैग्नेट है अगर मैं इसको रस्सी के साथ बांध दूं इस तरह से और इसको घुमा दूं और मैं इसको छोड़ दूं तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। तो एक ये हमें एक डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये है इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और ये अपने आप को अलाइन करेगा टुवार्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में, जिससे हमें अर्थ की जो डायरेक्शंस रहती हैं इनको भी हम विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आता है हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है और मुझे किसी आयरन पीस को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उस आयरन पीस को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को या तो मैं उस जो मैग्नेट है उसके साथ रब करूंगा या उस आयरन पीस या मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको कुछ दिनों के लिए मैग्नेट के साथ रख दूंगा तो कुछ टाइम के बाद वो जो आयरन पीस है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पर कुछ टाइम के बाद उस जो
मटेरियल है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिसअपियर हो जाती है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। आगे हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि मैग्नेट जो रहता है नॉर्मली, ये जो है मैग्नेट ये बार मैग्नेट है, दूसरी तरह का मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है इस तरह से। हॉर्स शू की तरह इसकी शेप रहती है। तो इसके भी मैग्नेट जो है उसमें उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा पोल है उसका साउथ पोल। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल, साउथ पोल को रिपेल करता है। नॉर्थ पोल, अगर मैं एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाऊं तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर अगर मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाऊं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी रहती है। तो यहाँ पे मेन है कि मैग्नेट जो है, कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा पोल जो है वो साउथ पोल होगा। और यहां से एक और बात निकल के आ रही है कि अनलाइक पोल्स, मतलब एक जैसे जो पोल नहीं है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर पोल है, नॉर्थ पोल है और दूसरा भी नॉर्थ पोल है, या एक साउथ पोल है दूसरा भी साउथ पोल है, तो ये दोनों के दोनों पोल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी मैग्नेट के पीस ले लें, हम कोई मैग्नेट का, मेरे पास पीस है, ये मैग्नेट है, अब मैंने इसको काट दिया बीच से, मैंने यहां से ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, मैंने यहां बीच से इसको काट दिया, तो अब मेरे पास दो मैग्नेट बन जाएंगे जिनके अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। मींस मैग्नेट जो होगा, मैग्नेटिक पोल्स जो रहेंगे ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक पोल हो। अगर कहीं पे नॉर्थ पोल होगा तो वहां पे साउथ पोल भी हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक पोल्स जो है ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से काट दें ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, तो जो दो पीसेस होंगे वो खुद मैग्नेट होंगे और उनके खुद के अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर मेरे पास कोई मेटल का पीस है, आयरन का पीस है, क्या वो पीस ऑफ आयरन जो है वो मैग्नेट है या नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई मैग्नेट जो है उस आयरन पीस को किसी मैग्नेट के पास लाएंगे तो डेफिनेटली वो आयरन पीस जो है उसको वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। इससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वो जो आयरन पीस है वो मैग्नेट है या नहीं है, क्योंकि मैग्नेट जो है ऑपोजिट, कोई और मैग्नेट होगा उसके ऑपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट करता है। तो यहां से मुझे ये चीज क्लियर नहीं होती है कि वो जो पर्टिकुलर आयरन पीस होगा वो मैग्नेट होगा या नहीं होगा। पर मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी है कि अनलाइक पोल्स जो रहते हैं उनको तो अट्रैक्ट करता है, पर लाइक पोल्स जो होते हैं उनको वो रिपेल करता है। तो अगर वो पर्टिकुलर पीस जो है वो मैग्नेट नहीं है, तो अगर मैं आयरन पीस को उस मैग्नेट के पास लाऊंगा तो वो हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं आयरन पीस को रिवर्स कर दूं, उसकी लेंथ को रिवर्स कर दूं, तो अगर वो फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है तो वो सिंपल आयरन पीस है। अगर रिवर्स करने से वो मैग्नेट जो है उस आयरन पीस को रिपेल कर देता है, तो वहां से हमें क्लियर होगा कि वो पर्टिकुलर जो पीस है मेटल का वो मैग्नेट है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि रिपल्शन जो है वो एक श्योरेस्ट टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी आयरन पीस और ए मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट होगा वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा आयरन पीसेस को, और दूसरे मैग्नेट होंगे तो उनको अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। कोई भी मैग्नेट है वो आयरन पीसेस को तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, पर कोई दूसरा अगर हमारे पास मैग्नेट होगा तो उसको वो अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। तो जैसा हमने
फर्स्ट यूनिट में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि हमारे पास वहां पे एक चार्ज होता था और उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड रहती थी, उस फील्ड के अंदर वो चार्ज जो है बाकी के चार्जेस को अट्रैक्ट करता था या रिपेल करता था, और उस फील्ड का नाम होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही यहाँ पे मैग्नेट है, तो उसके अराउंड भी एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन बी फेल्ट, इसका प्रभाव जो है उसको हम फील कर सकते हैं। तो कोई भी मेरे पास मैग्नेट होगा जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो वो मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस रहेगा, उस स्पेस के अंदर वो बाकी के मैग्नेट्स या आयरन पीसेस जो होंगे उनको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, तो इसके अराउंड भी क्या रहेगा, एक स्पेस रहेगा। इस स्पेस के अंदर कोई, अगर मैं किसी आयरन पीस को लेके आऊं या किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आऊं, तो अगर आयरन पीस को लाऊंगा तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आऊं, तो अगर दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये साउथ पोल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल आ रहा है सपोज, तो ये क्या करेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर इसकी जगह अगर दूसरे मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड रहेगी, और उस हम फील्ड को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अर्थ, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो दो तरह की रहती थी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कौन सी होती थी, जो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे क्या रहे, कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे क्या रहती थी, डिफरेंट रहती थी। तो इसी तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो दो तरह की होगी, एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस विद एरो हेड्स। ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह की होगी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ साउथ पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको हम बोलेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म ऑल एवरीवेयर, दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड वंस अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस विद एरोहेड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एग्जाम्पल, इसका आप सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है वो एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। हम कहीं भी चले जाएं, हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं होती है, क्योंकि वो हर जगह पे क्या है, सेम है। दूसरी तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, वो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, विच इज नॉट सेम एवरी वेयर। सपोज मेरे पास ये कोई मैग्नेट है और इसके ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। या पोल्स जो होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो बिल्कुल उसके किनारों पे रहते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेट की अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए, वो स्ट्रेंथ नियर टू पोल्स रहती है, नियर टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट होती है। तो जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हर जगह पे इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ हर जगह पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जिनके पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं या जो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट या रिपेल किए जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करें, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो जीरो होता है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, पी वेक्टर इज हमेशा जीरो रहेगा, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनका भी डाइपोल मोमेंट जो कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स लें तो बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, निकल है, ओके। दूसरी तरफ अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इनमें भी नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है कभी भी जीरो नहीं होगा, इनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। आयरन है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि इन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। जैसे यहां पे मैंने बनाया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो अगर हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर किसी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको मैं हैंग कर दूं, उसको मैं रखूं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर मैं किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो उसकी जो लंबी वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर मेरे पास सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैं किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको अगर मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, तो वो जो है उसकी जो लंबी वाली एक्सिस है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसी तरह से अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, तो वो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वो भी अलाइन हो जाएगा, बट नॉट परपेंडिकुलर, बट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पर इसमें क्या, पैरामैग्नेटिक में क्या है कि प्रॉपर्टीज जो हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनकी लगभग एक जैसी रहती है, पर एक्सटेंट जो है
किसी भी चीज का, वो पैरामैग्नेटिक में कम होता है, फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल लूं कि हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो लंबी वाली एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी, पैरामैग्नेटिक में भी होगी, फेरोमैग्नेटिक में भी होगी, पर पैरामैग्नेटिक में यह चीज होगी थोड़ी स्लोली, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो यह चीज बहुत फास्टली होती है, क्विकली एकदम से। फेरोमैग्नेटिक के केस में वो जो मटेरियल है वो एकदम से अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार फिर से कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके किसी उसकी किसी कोई रॉड ले लो आप, उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, तो वो रॉड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप ही अलाइन हो जाएगी। अगर वही अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड ले लें तो वो होगी अलाइन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अलॉन्ग वो अलाइन हो जाएगी, बट वो स्लो होगी, धीरे धीरे होगी। पर अगर हम यही बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में भी अलाइनमेंट तो होगी बट वो एकदम से हो जाती है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं उनमें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो रहती है फ्री स्पेस की, जिसको हम म्यू बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उससे पास नहीं हो पाती है। अगर यही बात करें हम अपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें म्यू की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जिसके कारण मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर सकती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से। अगर यही चीज हम फेरोमैग्नेटिक में कहें तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी पास कर सकती है विद ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। तीसरा, जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनमें जो रिपल्शन रहती है, इनमें जो अट्रैक्शन रहेगी किसी दूसरे मटेरियल के लिए, ओके, वो क्या होगी, वीक होती है। पर अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इनमें अट्रैक्शन जो होती है ये होगी तो सही या ठीक है, ये भी कम रहेगी, पर यही चीज जो है अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें ये अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट्स जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। अब बात आती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो रहते हैं वो क्यूरी लॉ को ऑबे करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यूरी लॉ को ऑबे करते हैं, पर हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है क्यूरी लॉ को ऑबे नहीं करते हैं। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज जो है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमारे पास वो 3 रहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आगे चलते हैं हम, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये थ्योरी हमें दी थी, किसने दी थी, वेबर ने दी थी, और बाद में इसको मॉडिफाई किया था, दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था इविंग, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। और जो ये थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, उनका खुद का अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल रहता है। कोई भी सब्सटेंस होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा कोई भी, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स का अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और इन नॉर्थ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। जब तक ये सब्सटेंस जो है
ये मैग्नेटाइज नहीं है, मतलब इसमें कोई किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से सर्कुलर रिंग्स की तरह अपने आप को अलाइन रखते हैं। अगर मैं ये एरो बता रहा हूं तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका अपना नॉर्थ पोल होगा, इसका अपना साउथ पोल होगा। तो जब इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, हमने इसको मैग्नेटाइज नहीं किया है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह के होंगे और ये सभी क्या होंगे, अपने आप को सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में अलाइन रखते हैं। इस तरह से। पर जब हम इस सब्सटेंस को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, जब हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे जब हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे मतलब हम इस सब्सटेंस को क्या करेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, या इस ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल को हमने के पास में एक कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट रख दिया। सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, तो सिंपलेस्ट वे में अगर ये बता रहा हूं कि अगर इसके जो मेरे पास कोई मटेरियल है, सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके साथ में मैंने एक मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट रख दिया, तो अब ये क्या होगा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलाइन कर लेंगे खुद को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो नॉर्थ पोल रहेगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवार्ड्स, जो इन मॉलिक्यूल्स का नॉर्थ पोल होगा वो जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ को डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और साउथ पोल जो है वो मैग्नेट की नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इस तरह से अब क्या हुआ, ये जो सब्सटेंस है, जब इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को अलाइन कर लेंगे इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस सब्सटेंस के पास भी क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा, और ये मैग्नेटिज्म जो होगा, ये इस मैग्नेटिज्म को हम बोलेंगे सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म। और जो भी हम जैसे इसको अभी मैग्नेट रखने का मतलब क्या, हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म आता जा रहा है। पर ये जो सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म है, इसकी हर स्टेज के अंदर जो भी स्ट्रेंथ होगी इन पोल्स की, ये मटेरियल भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बनने जा रहा है, ये मैग्नेट बन जाएगा, तो इसके जो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो रहेंगे इस मटेरियल के, उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा कि ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये कितना मैग्नेटाइज होगा, तो वो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन अलाइनमेंट कैसी है सारे मॉलिक्यूल्स की। कई बार ऐसा होता है कि अलाइनमेंट कुछ ऐसी है, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अलाइन हो रहे हैं, तो इस केस में जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन या इसकी जो स्ट्रेंथ होगी या इंटेंसिटी होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू दिस। तो अलाइनमेंट जो है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूल्स जो है उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर किस तरह से अलाइन हो रहे हैं, खुद को किस तरह से अलाइन कर रहे हैं, जैसे ही हम उस सब्सटेंस के पास या उस सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या उस सब्सटेंस के बगल में हम एक मैग्नेट जो है वो बार मैग्नेट हम रख देते हैं। तो यह है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म, जो ये कहती है कि नॉर्मली अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और इस अलाइनमेंट के कारण उस सब्सटेंस के अंदर एक सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और ये जो मैग्नेटिज्म है
इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली, ये दोनों जो है इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में फर्क होगा। ये तो खुद ही एक मैग्नेट है, इसमें स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी, पर ये जो बनेगा उसके द्वारा उसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी। दूसरी बात, जो पोल बनेंगे, अब ये भी एक मैग्नेट बन गया कंपैरेटिवली ऑफ लो स्ट्रेंथ, बट इसके खुद के अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, और ये जो स्ट्रेंथ होगी नॉर्थ और साउथ पोल की वो इक्वल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो चीज डिपेंड करेगी कि वो जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो खुद एक मैग्नेट है, उनकी अलाइनमेंट कैसी है। तो दिस इज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आगे है, बहुत हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट द रियल लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो रियल लाइंस नहीं है, बट दे रिप्रेजेंट ए फील्ड विच इज रियल। अब मैग्नेट, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो रियल लाइंस नहीं होती हैं, पर वो एक ऐसी फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जो खुद रियल होती है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो जिस तरह से दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो रहती थी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी और एंड होती थी नेगेटिव चार्ज से, इसी तरह से हमारी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ओरिजिनेट होंगी नॉर्थ पोल से और एंड होंगी साउथ पोल। और जो डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा रहती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से, नॉर्थ पोल से, एंड कहां होती है, साउथ पोल पे होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, अब इनका ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन आएगी ये वाला टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन को ये वाला टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम आंसर है जैसा हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के केस में किया था, वहां भी यही था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो डायरेक्शन, उसी तरह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगा, दो डायरेक्शन होंगी। सिंगल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी मेरे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं
तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। तो टेंजेंट जो होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, उसकी डायरेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, जिसका मतलब है ये कोई मेरे पास मैग्नेट है सिकुड़ती हैं लेंथ के, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी रहता था इस तरह से। ये हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो ऑपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली मींस विच इज रिप्रेजेंटिंग दैट द ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। मेरे पास एक और मैग्नेट है जिसका मैं नॉर्थ पोल यहां पे बना रहा हूं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एग्जर्ट लेटरल प्रेशर विच इंडिकेट दैट लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। अब डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में? तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होती है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स विच ओरिजिनेट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। अगला हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था तो हमने बात की थी कि हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का नाम है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो हमने उन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये आया था हमारा कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका रिजल्ट आर स्क्वायर आर कैप। तो ये फोर्स क्या होती थी, अट्रैक्टिव फोर्स भी होती थी और रिपल्सिव फोर्स भी रहती थी। सेम कूलम्स लॉ अब क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में चार्जेस तो होंगे नहीं, अब मैग्नेट है उसके पास क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो अगर मेरे पास एक मैंने मैग्नेट ले लिया ये जिसका मैं सिर्फ नॉर्थ पोल बता रहा हूं, दूसरा मैग्नेट मैंने ले लिया ये जिसका मैं क्या बता रहा हूं साउथ पोल, और मान लेते हैं दोनों पोल्स जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज आर मान लेते हैं। एक पोल की स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पोल की स्ट्रेंथ है एम टू। तो अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इस साउथ की जगह यहां पे नॉर्थ पोल होता तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज आल्सो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो कूलम लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर ये कहता है हमें कि दो पोल्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम
इन दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास आएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू, अब कोई पेनल्टी साइन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो प्रोपोर्शनलिटी है इसकी वैल्यू 1 होती है सीजीएस सिस्टम में, और k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन एसआई सिस्टम। तो k की वैल्यू 1 होगी सीजीएस सिस्टम में, k की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एसआई सिस्टम में, और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसको 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स भी हम इसको कहते हैं। परमेबिलिटी हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था वहां पे हम एक सिंबल लेते थे एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे है म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी और म्यू नॉट है परमेबिलिटी, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग चीजें हैं। इसके आगे है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे हमने कहा इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल मींस जो चार्जेस थे उनका मैग्नीट्यूड जो था वो सेम था। सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते थे लेते थे 2a, और उसको हम बोलते थे डाइपोल लेंथ। और वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम इस मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर भी हम एक डाइपोल को स्टडी करने जा रहे हैं, पर उस डाइपोल का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल जो है इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स। इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से, और कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m, मीन्स दोनों पोल में से किसी एक पोल की स्ट्रेंथ और साथ में उन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके यूनिट्स रहेंगे जूल पर टेस्ला।